मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा के थाना सोयतकला पर अब तक की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई। बुधवार को सोयतकला पुलिस ने दोपहर 3 बजे पिडावा रोड तिहारे पर गोविंद सिंह सौंधिया निवासी पावती थाना गरौर जिला मंदसौर के पास से 11 किलो 200 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह तथा SDOP ओपी शर्मा से थाने पहुंचे और प्रेस वार्ता बुलाई गई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सोयतकला पुलिस बधाई की पात्र है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही कार्रवाई के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। IM इस केस में जनता का जो अप्रत्यक्ष सहयोग रहा वह भी धन्यवाद के पात्र है। SDOP ओपी शर्मा ने कहा कि जब्त स्मैक मादक पदार्थ 11 किलो 200 ग्राम है एवं इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। सोयतकला पुलिस को इस कार्रवाई के लिए शासन द्वारा उचित इनाम दिलवाया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई में प्रशंसनीय थाना प्रभारी अर्जुन सिंह पवार के साथ उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूचना मिली कि पिडावा तरफ से बस में कोई अज्ञात व्यक्ति काले भूरे रंग का बैग लेकर पिडावा से रात हो चलने वाले जो संदिग्ध है और उसके पास कुछ मादक पदार्थ होने की संभावना है। इस सूचना पर थाना प्रभारी सोयत अर्जुन सिंह पवार अपनी पूरी टीम के साथ दवाओं को लेकर के मौके पर रवाना हुए। मौके पर सूचना जैसी मिली थी उस गुड़िया के आदमी को उन्होंने पकड़ा। समझ रहा हूँ कि उन्होंने उसकी तलाशी ली। तलाशी के 2 पन्ने में मादक पदार्थ होना पाया गया, जिसको उन्होंने भली भांति चीट कर सुनकर देख कर जैसे भी हुआ उसका वेरीफाई करवाया। वेरीफाई कराने पर विधिवत उसको जब्त किया गया। जब्त करके NDPS की धारा 8 और 21 में कार्रवाई की गई है। पकड़ा गया व्यक्ति का नाम गोविंद पिता ईश्वर चंद सोंधिया है, जो गरोट कुल फेरे गांव का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया इससे सारा मादक पदार्थ जब्त कर विधिवत कार्रवाई कर योजना में लिया गया है। साथ ही गोविंद पिता ईश्वर चंद सोंधिया कहां से माल लिया, कहां डिलीवर करने जा रहा है, इस पूरी पिता को हम पकड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके पीछे कौन सा गिंग है, कौन से तस्कर, कौन सा सप्लायर इन्वॉल्व है, उसकी पूरी सच्चाई जानकर के हमें विधिवत और सही तरीके से छानबीन कर कार्रवाई करेंगे। पूरा जो माल जब्त हुआ है, स्मैक जब्त हुआ है, तो 11 किलो 200 ग्राम का है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। निश्चित तौर पर इस पर कोई मात्रा के हिसाब से पड़ा गेंगे इन्वॉल्व होगा, इसके तहत हमें जाकर इसको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे।